आज जब चुनाव खत्म हुए उसके बाद से कहीं ना कहीं निरंतर, और चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले भी, मुझे याद है जब पापा अस्पताल में भी थे तो उस वक्त भी कई बार कुछ लोगों द्वारा और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा खास तौर पर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का प्रयास निरंतर तब भी किया जा रहा था। मुझे याद है कि मेरी शायद पापा की जब आखिरी बार बात पार्टी के कुछ नेताओं से हुई थी जब वो ICU में थे, तो उस वक्त भी जब उनकी बात हुई तो उन्होंने इसी बात को कहा कि क्यों मीडिया में इस तरीके की भ्रामक खबरें आती हैं। उनकी चाचा से भी बात हुई, चाचा को भी उन्होंने इसी बात के बारे में कहा कि क्यों बार बार ये खबरें आती हैं कि भाई पार्टी टूट रही है, पार्टी अलग हो रही है, इस तरह की जानकारी क्यों आती है। बट बहरहाल, निरंतर एक लंबे समय से एक बात स्पष्ट थी कि पार्टी में कुछ लोग जो संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे, जो चाहते थे कि भैया हम लोग कंफर्टेबल पॉलिटिक्स में रहें, कि चलिए जो हो रहा है ठीक है, होता रहे, ऐसे ही गठबंधन है, ठीक गठबंधन है, लड़ेंगे जीतेंगे। और हकीकत है, मैं इस बात को मैं झुठला नहीं रहा हूँ कि अगर जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तीनों दल अगर साथ मिलकर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ते तो हम लोग का एक तरफा जिस तरीके से लोकसभा में हम लोग 40 में से 39 सीटें हम लोग जीते, विधानसभा में भी हम लोग का परिणाम उसी तरीके से आता। पर उसके लिए मुझे नतमस्तक होना पड़ता मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने, उसके लिए मुझे समझौता करना पड़ता अपनी नीतियों से। अब मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट जो पूरे बिहार में हम लोगों ने घूमकर हर एक जिले, हर एक प्रखंड में जाकर वहां के लोगों से सुझाव लेकर जो हम लोगों ने तैयार किया था उसको सम्मिलित करने से साफ इनकार कर दिया गया। किसी भी गठबंधन में एक नॉर्मल प्रैक्टिस रहा है कि आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप ड्राफ्ट करते हैं, साझा न्यूनतम कार्यक्रम के हिसाब से सरकार चलती है। और मेरा भरोसा नहीं था कि भैया आपका साथ निश्चय बिहार में विकास कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति जिसको बिहार से प्यार है, बिहारियों से प्यार है, बिहार के युवाओं से प्यार है, अपने समाज से प्यार है, हर वर्ग के समाज से प्यार है, जो व्यक्ति बिहार से प्यार करता हो वो शायद अपनी बातों को इतनी प्रमुखता से रखता जितनी प्रमुखता से मैंने रखा। और उसके सामने ना मैं झुका, ना मैंने किसी तरीके का मैंने समझौता किया।